This Lallantop video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यूपी के कई शहरों के बाद अब लल्लनटॉप अड्डा जा पहुंचा है आगरा। रविवार 28 नवंबर को शाम 5 बजे से आगरा कॉलेज ग्राउंड राजा मंडी में होगा लल्लनटॉप अड्डा। दिखेगी कलाकारों की कलाकारी, बातें होंगी आगरा के सबसे बड़े मुद्दों की, जुड़ेंगे अड्डे के मेहमान और मौके पर ही लल्लनटॉप की क्विज में भी आप ले सकते हैं हिस्सा। इतना ही नहीं, आगरा ना भी पहुंचे तो चिंता मत कीजिए, घर बैठे हुए भी लल्लनटॉप अड्डे में हिस्सा ले सकते हैं। आगरा या प्रदेश को लेकर आपके भी कोई सवाल है तो पूछिए हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से। सवाल पूछने का पता ऊपर दी लल्लनटॉप का हैंडल। अब वीडियो पर आते हैं। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को एक झटका लग गया है। खबर है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। पहले उनके 25 नवंबर से कानपुर में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि केएल राहुल पूरी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। राहुल का बाहर होना उनके और उनके फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला है, लेकिन इसने सूर्य कुमार यादव के लिए टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक सूर्य कुमार यादव मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। बीसीसीआई ने क्या बताया, केएल राहुल को ये चोट आगामी सीरीज की प्रैक्टिस के दौरान लगी। उनकी बाई जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और अब उसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। मंगलवार 23 नवंबर को बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने एक मीडिया रिलीज के जरिए इसकी पुष्टि की। साथ ही ये भी बताया कि राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दोनों टेस्ट मैचों में टीम के साथ नहीं होंगे और एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाकर अगले महीने होने वाले साउथ अफ्रीकी दौरे के लिए खुद को तैयार करेंगे। जय शाह ने कहा, टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल की बाई जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो मैचों की पेटीएम टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो अब एनसीए जाकर रिहैब में रहेंगे और अगले महीने शुरू हो रही साउथ अफ्रीका सीरीज की तैयारी करेंगे। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में मयंक अग्रवाल और केएल राहुल भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते दिखेंगे और शुभमन गिल मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन राहुल के इंजर्ड होने से अब बात लगभग साफ हो गई है कि उनकी जगह शुभमन गिल ओपनिंग की कमान संभालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय कप्तान विराट कोहली की जगह चौथे नंबर पर कौन खेलता है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। अजिंक्य रहाणे कप्तान, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, वृद्धिमान साहा, के एस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रवीण ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लनटॉप, और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लनटॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।